सोना आई लव यू। अब आई आवाज पूरे गोवा को आवाज आ गई, आई लव यू। कैन नॉट चिलैक्स, हाउ कैन आई चिलैक्स बेबी एंड आई मीन सो मच इन लव विथ यू। यहाँ से अभी निकलने का प्लान है और हम जाएंगे अबिस फिश एक्वेरियम, जो यहाँ से तकरीबन हाफ एन आवर दूर है, 10 किलोमीटर्स के आसपास। मुझे देख के अच्छा लगा, रिव्यूज़ वहाँ पे बहुत अलग अलग स्पीसीज के फिशेस भी है और मुझे थोड़ा ये सब बहुत अच्छा लगता है अंडर वाटर। आई एम रियली क्यूरियस टू नो, सो लेट्स विजिट एंड सी व्हाट स्पेशल। एक्वेरियम हम पहुंच गए, यही है एक्वेरियम। पता नहीं खुला है कि बंद है, फ़ोन किया था लेकिन लगा नहीं, देखते हैं बंद है कि चालू। सो गाइज, एक्वेरियम इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। एक्वेरियम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आप तीन चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो एक्वेरियम है जहाँ पे मोर देन 80 स्पीसीज ऑफ फिश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, एंड सेकेंड थिंग इज़ 12D थिएटर। अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉर्मल, इससे अच्छा मे बी आपने कहीं और देखा भी हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे हो तो इतना ख़राब भी नहीं है। आई मीन यू कैन एन्जॉय 5 मिनट्स। इसके अलावा एक हॉरर शो है, मैं अकेला गया था हॉरर शो और पूरा कोई भी नहीं था। इनका साउंड इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, तो एट टाइम्स मुझे 2-3 बार ऐसे थोड़ा डर भी लगा, बट देन यू नो इट्स फेक, सो मतलब हम संभल जाते हैं ऐसा, तो फिर भी अच्छा है। इट्स गुड टू एक्सपीरियंस वंस। दोपहर के टाइम पे अगर आपको विजिट करना है तो काफ़ी अच्छा, बिकॉज दोपहर को आप बीचेस या वाटरफॉल्स या कहीं पे भी नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ पे धूप होती है। तो अगर आप दोपहर को कभी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये एक्वेरियम इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अगर आप तीनों का कॉम्बो लोगे तो इट इज़ अराउंड 400 पर पर्सन, उसमें आपको तीनों का कॉम्बो मिल जाता है। अगर आप सिंगल कुछ ले रहे हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो 400 में इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप दोपहर को कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और कोई और प्लेस नहीं है जाने के लिए। एंड यहाँ पे नीचे कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खा सकते हैं। ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू। एक्वेरियम से निकले और वापस से जा रहे हैं कोलवा बीच, जहाँ पे होटल है। बहुत अच्छा है, ऐसे रोड पे चलाने में सीरियसली बहुत मज़ा आता है। जब आजू बाजू दोनों साइड जब अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी सीनरी दिखाई देगी, और यहाँ पे सीधा अगर आप सूरज देवता को देखोगे तो बस ढलने जा रहे हैं और ब्रेथ टेकिंग व्यू है।
बस हम 5 मिनट में अभी होटल पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। जैसे जैसे होटल नज़दीक आता है तो ऐसा लगता है कि यार बेड हमको बुला रहा है, बेड हमको बुला रहा है, बस अब थोड़ा सा रेस्ट करना है।